हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आरके फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जो कि दो पार्ट्स में रिलीज होंगी। इनमें मैं भारत के असीम क्षमताओं से परिपूर्ण कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र का सर संपूर्ण विश्व के सामने ऊंचा कर दिया। इन्होंने न केवल भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया बल्कि नारियों के लिए आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का रास्ता भी आसान कर दिया। इससे भारत की रूढ़िवादी सोच महिलाओं के प्रति न केवल बदली अपितु पूरे सम्मान के साथ समाज में उनके योगदान को अपनाया भी गया। आइए तो उन गौरवान्वित करने वाली नारियों को सलाम करते हैं और अपने में ये संकल्प लेते हैं कि हम पुरुष प्रधान समाज के दृष्टिकोण में जितना हो सकेगा सुधार करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके लिए ना केवल प्रेरित बल्कि शिक्षित भी करेंगे। इसी तरह की बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा आपके अपने आरके द एक्सप्लोरर चैनल को। तो शुरू करते हैं। भक्ति शर्मा, इनका जन्म 30 नवंबर 1979 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। 2.5 साल की उम्र में ही इन्होंने स्विमिंग शुरू कर दी थी और मात्र 14 वर्ष की आयु में ओपन वाटर सी स्विम कंपटीशन में भाग लिया जो कि उरनपोर्ट से गेटवे ऑफ इंडिया तक 16 किलोमीटर का एक लंबा सफर था। आज वो एशिया की पहली और विश्व की सबसे युवा महिला है जिनके पास अंटार्कटिक के पानी में स्विमिंग रिकॉर्ड्स बनाने का खिताब है। अरुणिमा सिन्हा, इनका जन्म 20 जुलाई 1988 में यूपी के अंबेडकर नगर में हुआ था। ये ना सिर्फ भारत के राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं, बल्कि एक कुशल पर्वतारोही भी है। दुर्भाग्यपूर्ण एक दुर्घटना में इन्होंने अपना पैर खो दिया पर उसके बावजूद माउंट एवरेस्ट को फतह कर ये साबित कर दिया कि यदि इरादा मजबूत हो तब हर असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। मैरी कॉम, इनका जन्म 25 नवंबर 1982 को मणिपुर के कोंगाथेई नाम के स्थान में हुआ था। ये बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं पर इससे अपने कामयाबी के राह में कभी आने नहीं दिया। साथ ही मातृत्व भी कभी इनके मुक्केबाजी के जुनून को बुझा ना सकी। आज ये 5 बार से लगातार वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन रह चुकी हैं। हर्षिनी कान्हेकर, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने कॉलेज के दिनों में एनसीसी में शामिल होने का फैसला लिया था और इसी में इनकी जिंदगी बदल गई। इनका सेना में शामिल होने का जुनून ही था जिसे इनको भारत की पहली महिला फायर फाइटर का खिताब दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने साबित कर दिया कि इतिहास बनाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। साइना नेहवाल, इनका जन्म हरियाणा के हिसार में 17 मार्च 1990 को हुआ। इन्होंने सिर्फ 24 वर्ष की आयु में ही बैडमिंटन में बहुत ही महत्वपूर्ण ऊंचाइयां हासिल कर ली है। वो भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक्स में बैडमिंटन में कोई पदक जीता है। बस इतना ही नहीं, इनके नाम और भी बहुत खिताब है। ये वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो तो इस पार्ट को यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अपनी सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट जल्द हाजिर होगा, तब तक के लिए टाटा, अलविदा, ऑल द बेस्ट।